कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजनल लियाकत अली जट्ठा के दोस्तों ने डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। तौंसा की बस्ती छतानी के 82 सैलाब ज़दगान में इमदादी रकम तकसीम की। एस सी तौंसा मोहम्मद असद चांडिया और दीगर मौजूद थे। हुकूमत के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख़य्यर हज़रात भी आगे आ रहे हैं। कमिश्नर लियाकत अली जट्ठा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने भी सरकारी सतह पर सैलाब ज़दगान के लिए मॉडल विलेज बनाने का ऐलान कर दिया है। डेरा गाजी खान और राजनपुर असला में 8,000 से ज़ायद घर तामीर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने रिलीफ फंड से दोनों असला के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस कर दिए हैं। मुतासरा बस्तियों के नज़दीक सरकारी रकबा की निशानदही के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। अतिया और सरकार को मुंतकिल किए जाने वाले रकबा पर भी सैलाब ज़दगान के लिए बस्तियाँ तामीर होंगी। मज़ीद जानते हैं कमिश्नर लियाकत अली जट्ठा से, जो इस वक्त अपने दोस्तों और रहमान गार्डन लाहौर के मियाँ मुश्ताक क्लब लाहौर के सफ़ीर अब्बास शाह बैरिस्टर अहमद सईद और इकबाल यूसुफ की अमरा बस्ती छतानी में मौजूद हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान, बहुत ज़्यादा नुकसान आया, इतना तेज़ पानी आया है कि 11 लोग जो हैं वो यहाँ पे डूब के उनकी डेथ हो गई है। इनके मवेशी जानवर भेड़ बकरियाँ भी उस पानी में बह गए हैं। 67 मकानात इस बस्ती में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तो आज लाहौर से कुछ मुखय्यर हजरात तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें मियाँ मुश्ताक साहब एर रहमान गार्डन की तरफ से और सैयद सफ़ीर अब्बास शाह साहब शेप्स क्लब की तरफ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने तमाम 82 लोगों को 10-10,000 रुपये कैश दिया है अपने मकानात मरम्मत करने के लिए। मज़ीद भी मियाँ मुश्ताक साहब आर रहमान गार्डन वालों ने इसको ओन किया है कि हम एडॉप्ट बस्ती के तहत इस पूरी बस्ती को गवर्नमेंट के साथ मिलके इनके मकानों को मरम्मत भी कर देंगे।